नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पांच स्टॉक्स के बारे में, और ये पांचों सरकारी कंपनियां हैं। इन पांच स्टॉक्स में आज सबसे बड़ा पैसों के मामले में कामकाज हुआ है, और इनमें से पांच में से दो तीन शेयर तो आज सर्किट पे भी क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। तो कौन सी हैं वो पांच कंपनियां जिनमें सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है और आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके पांचों स्टॉक्स को डिस्कस करना। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बता दूं कि देखो, सबसे बड़ा टर्नओवर तो हुआ है लेकिन आज टर्नओवर टोटल हुआ ही नहीं है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि बाजार में आज लिक्विडिटी नहीं थी, बस सर्किट ही सर्किट थे। अब पहले बात करूं तो हाईएस्ट टर्नओवर जिसमें हुआ है वो पता है कितना टर्नओवर में कितना टर्नओवर है, 793 करोड़ का, यानी 800 करोड़ से भी कम का टर्नओवर है जो कि हाईएस्ट लेवल पे आज हुआ है। और ये स्टॉक है HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें सबसे ज्यादा पैसों के मामले में आज काम हुआ है, जो केवल 794 करोड़ है। नॉर्मली ये 2500 से 3000 करोड़ का टर्नओवर होता है। अब बहुत सारे निवेशक ये भी कह सकते हैं कि भाई आज बाजार केवल 2 घंटे के लिए खुला, वो भी 2.25 घंटे के लिए, पूरे दिन में बाजार वरना खुलता है 5-5.5 घंटे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा टर्नओवर जो है ना वो शुरुआती 1 घंटे में और आखिरी के 1.5 घंटे में ही आता है, बीच में तो वो ना के बराबर ट्रेड चलता है। बट खैर छोड़ते हैं, हमारा भी कंसर्न यही है कि लो लिक्विडिटी थी आज, इसलिए तेजी मंदी टोटली अवॉइड करो। अगर बात करूं HAL की तो ये हो गया भैया 4730 रुपए का। इस शेयर को आप सभी के साथ हर एक भाव पे डिस्कस किया है और एक ही चीज बोलिए कि इसे पकड़ के बैठ रहो, बेचने का मतलब ही नहीं बनता। आप अगर बेचने जा रहे हो तो अपने आप से पूछ लेना, मैं क्यों बेच रहा हूं, मेरे पास क्या कारण है इसे बेचने का। जिसमें आपको ग्रोथ दिख रही है डिफेंस के मामले में, आपको कंपनी की परफॉर्मेंस दिख रही है, आपको टेक्निकल चार्ट सपोर्टिव दिख रहे हैं, आपको सेक्टर सपोर्टिव दिख रहा है, आपको गवर्नमेंट का फोकस दिख रहा है, तो क्या मतलब है आपका बेचने का। आपके पास रीजन नहीं है, आप बिना बात के बेच रहे हो कि मेरा तो प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अरे छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कभी कभार अच्छी किस्मत वालों को ही अच्छे शेयर मिलते हैं। अगर आपने ले लिया नीचे के भाव में तो आप किस्मत वाले हो, और आपने पेशेंस दिखाया, आप मजबूत इन्वेस्टर हो। अब आप इसको होल्ड करो। दूसरा स्टॉक भी इसी सेगमेंट से है, वो है BEL। इस शेयर में आज टोटल टर्नओवर 607 करोड़ का हुआ है, यानी 607 करोड़ का, और ये भी ऑलमोस्ट सर्किट पे ही था, 4.5% ऊपर बंद हुआ है। हालांकि 260 रुपए का हो गया BEL आपके लिए देखते ही देखते। और ये स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि कवर नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने HAL और BEL नहीं कवर किया। आप बिजनेस चैनल देखते हो, वहां भी आपको इन स्टॉक्स को कंटिन्यू रिकमेंड करते हुए दिखते रहते हैं लोग। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, वो भी आपको डेफिनेटली करते होंगे। आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो, वहां भी क्लियरली दिखता है कि भाई साहब इस देश से ऑर्डर मिल गया या गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आ गया, टाइम टू टाइम खबरें चलती रहती हैं। तो ये तो एक अलग ही लेवल की थीम चल रही है इस समय। तीसरा स्टॉक है IRFC, जिसमें 471 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। रेलवे और डिफेंस अलग ही लेवल से भाग रहे हैं, शिपिंग में भी आप जोड़ दो तो मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर और आपका कोचिन शिपयार्ड, ये भी काफी तेज रफ्तार में भाग रहे हैं। IRFC में 471 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 173 रुपए का भाव हो गया है। दो दिन पहले 155 रुपए पे डिस्कस किया था जब टीटागढ़ रेल पे वीडियो बनाई थी कि पूरा रेलवे घूम रहा है, टीटागढ़ ऑलरेडी लाइफाई लगा चुका है, RVNL, IRFC, इरकॉन ये बहुत जल्दी लाइफाई लगाएंगे। 155 पे था उस दिन शेयर का भाव, कल भागा 170 हो गया और आज 173 हो गया, और 192 रुपए का इसका लाइफाई है, जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। अगर आज की बात करूं तो 2.5% रैली करता हुआ दिखा है। भाई साहब अभी भी कहूंगा छोड़ने का मतलब बन ही नहीं रहा है इन स्टॉक्स को, रीजन ही नहीं है आपके पास। और रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे इलेक्शंस के, उसके बाद बजट आएगा और बजट में मे बी फिर एक्शन में आएंगे रेलवे स्टॉक्स। नेक्स्ट है अपना चौथा स्टॉक है RVNL, यानी कि दो रेलवे हो गए और दो हो गए डिफेंस के, जो कि आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे टर्नओवर के मामले में। RVNL में 306 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ है केवल, लेकिन ये चौथे नंबर पे आ गया मोस्ट एक्टिव में। 300 करोड़ के टर्नओवर में 3% तो शेयर चल गया है, जिसमें इसके नंबर्स आए थे, रिजल्ट्स पे रिएक्शन था, उसके बाद इतनी लो लिक्विडिटी थी इस स्टॉक में। स्टॉक का भाव आपके लिए 300 रुपए का हो गया है। इस शेयर की बात करूं तो इसका 345 या 42 का लाइफ आई है, मेरे को लगता है ये भी टेस्ट कर सकता है उसे, बट आज की तेजी को मैं तेजी नहीं मानूंगा, ट्यूसडे को जो भी होगा उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कहां जाने की तैयारी में RVNL। अभी मैं एक दिन वेट करता हूं, ट्यूसडे ओपन मार्केट में ही आपके साथ वीडियो डिस्कस कर देंगे। एंड लास्ट है भेल, BHEL। स्टॉक में 305 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 3.5% की तेजी थी,
और इसके ना रिजल्ट्स भी आने वाले हैं ट्यूसडे को, और बाजार अनुमान लगा रहा है कि लंबे समय बाद कंपनी मुनाफा पेश कर ही देगी, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। स्टॉक मल्टीबैगर, देखो पूरा सरकारी स्पेस मल्टीबैगर हो गया है। स्टॉक की बात करी जाए तो 310 की क्लोजिंग आई है स्टॉक की, बढ़िया टर्नओवर हुआ है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम्स के सामने देखोगे तो वो आपको छोटा ही दिखेगा, लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि इसमें 99 लाख शेयर शुरू मतलब डेढ़ पौने दो घंटे की ट्रेड में आ गए, जिसमें एवरेज वॉल्यूम में देख पा रहा हूँ 2.5-3 करोड़ का है, तो एवरेज का हाफ तो ट्रेड हो ही गया शुरुआती डेढ़ घंटे में ही। तो ये स्टॉक 5 थे जो आज बड़े एक्शन में थे अपने वॉल्यूम्स के अपने लिक्विडिटी के चलते। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज़।